बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी भाई क्लिप देख रहा था जद्दा एयरपोर्ट से कि कुछ वायरल न्यूज़ सामने आ रखी है। आपने शायद अभी तक यूट्यूब या टिकटॉक वगैरह के कहीं ऊपर देख ली हो, तो मैं आपको इसके मुतल्लक थोड़ी तफसीलात जो सामने आ रखी है इस वक्त की लेटेस्ट, इससे अपडेट करूंगा। मैं ये वीडियो जो वायरल हो रखी है, जहाँ मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको वीडियो क्लिप भी दिखा देता हूँ। मैं जो लेटेस्ट वीडियो क्लिप सामने आए हैं वो दिखाऊंगा। एक दो दिन पहले के वैसे ये वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मैंने भी कल रात को देखे थे वीडियो। इससे पहले मैं रिकॉर्ड कर चुका था और आप हजू के साथ तकरीबन ये वीडियो शेयर करने से पहले 8-10 घंटे पहले वो वीडियो शेयर करने वाला था, लेकिन उसके बाद जब मैंने मजीद इन्फॉर्मेशन इसके मतलब देखी तो मैंने वो वीडियो आपके साथ शेयर नहीं की, ये दोबारा से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी मैंने वीडियो की। क्यों? कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इसके मतलब मजीद आ चुकी है। एक तो बात यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ कि आपने किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड या टिकटॉक वगैरह के ऊपर कहीं भी वीडियो देखी हो, उसमें अगर आपने ऐसा सुना है कि हंगामी सूरत हाल है और वहाँ पर दाखिला मना कर दिया गया है, और अगर आपकी टिकट्स वगैरह आपने खरीदी हुई हैं तो उनको कैंसिल करवा लीजिए, ये है वो है, ऐसा है वैसा है वैसा है, या वहाँ पर आपको जलील किया जा रहा है, आपको वहाँ पर रोका जा रहा है, आपकी फ्लाइट्स वगैरह, जो ऐसी कोई भी अगर आपने न्यूज़ सुनी है तो पहले ही वीडियो के शुरू में क्लियर करता चलूँ वो फेक न्यूज़ थी। ठीक है, अभी आपको साथ में मैं वीडियो क्लिप भी दिखाना शुरू कर चुका हूँ, आप इसमें देखते जाएंगे रश कितना लगा हुआ है। ठीक है, वीडियो का लास्ट में एक बात शेयर करूँगा, वो ज़रूर सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको उससे मज़ा आएगा। वीडियो क्लिप में आप देखते हैं रश कितना लगा हुआ है जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर, बिल्कुल अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जद्दा का, और यहाँ पर फ्लाइट्स डिले होने की वजह से, और उमरा जायरीन जो कि आपको पता है पहले 15 रमजान तक 20 मिलियन बंदे उमरा कर चुके थे, जो कि आपको पता है इस वक्त हर मैन मस्जिद में कितना रश लगा हुआ है। उमरा जायरीन को लेते हुए न्यू मिता छुट्टी वाले अखबार जो वापस आ रहे थे, आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, टिकटॉक रेड भाई आसमानों से बातें कर रहे हैं, मैं इंशाल्लाह ताला किसी वीडियो में, यानी कि कल आपके साथ हो सकता है वीडियो शेयर करूं। दोस्त आ चुके हैं जी ईद के ऊपर, पाकिस्तान में इकट्ठी ईद कर चुके हैं, तो बड़ी मालिक से आए मेरे साथ रहते थे, वो मुझे बता रहे थे टिकटॉक रेड कितने हाई जा रहे हैं, हालांकि मैंने 450 की खरीदी थी, तो वो वीडियो अलग से शेयर करूंगा। बहरहाल ये टिकटॉक रेड कुछ पाकिस्तानी वगैरह खाती भाई वापस आ रहे थे, उमरा जायरीन इन्हीं को लेते हुए रश था, और जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर कुछ फ्लाइट्स वगैरह डिले थी, रश ज्यादा लग गया, इस वजह से आपको इतना रश यहाँ पर दिखाई दिया। अभी बात यह है कि अगर कोई भी बंदा आपके साथ ऐसी कोई न्यूज शेयर कर रहा है, टिकट लेट करवा रहा है, ये वो फेक है जी। जो बात लास्ट में करना चाहता था वो ये है कि जब मैंने सफर किया है, इसी एयरपोर्ट से सफर किया है मैं जद्दा टू लाहौर के लिए, और भी पाकिस्तान में हूँ, तकरीबन 1.5 मिनट में हो चला है मुझे, तो बात यह है जी वहां पर उस टाइम हम, मेरी फ्लाइट सुबह 7 बजे की थी, हम 1 बजे पहुंचे, कितने बजे, 1 बजे एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच चुके थे, और 2 बजे यकीन करें 2 बजे एयरपोर्ट के अंदर हम वेटिंग रूम से बात है, बोर्डिंग से पहले जहां पर बैठ जाते हैं हम वहां पर बैठे हुए थे, बाद में बोर्डिंग स्टार्ट हुई, बोर्डिंग करवाई, हम 7 बजे की फ्लाइट थी भाई, 5 बजे वेटिंग रूम में जाकर आराम से बैठे हुए थे, इसी तरीके से कोई रश नहीं था इतना ज्यादा, बिल्कुल हल्का फुल्का रश था बोर्डिंग के ऊपर वगैरह जो भी था। मामला ये है जी कि अगर आप अपनी फ्लाइट से 2-4 घंटे पहले भी पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट के ऊपर और पहुंचिए, मैं आपको ये मशवरा दूंगा अभी की सूरत को देखते हुए, डिले मत कीजिएगा। अगर 4 घंटे पहले आपकी बोर्डिंग शुरू हुई है तो आप बोलेंगे मैं 4 घंटे, बट नहीं, 6 घंटे पहले चले जाइए, आप अपना सामान वगैरह लेकर अंदर ताकत दाखिल हो सके, बाद में बोर्डिंग वगैरह टाइम लग सकता है, तो अगर आप जाहिर सी बात आपकी बोर्डिंग होगी फिर फ्लाइट्स तो आपको लेकर जाएंगे, वो छोड़ेंगे तो नहीं, आपको ढूंढेंगे एयरपोर्ट के ऊपर दोबारा। इसके मुताबिक कोई भी किसी किस्म की ऐसी कोई बंदा फेक न्यूज चला रहा है कि आपकी टिकट कैंसिल करवा दी, हंगामी सूरत है, फ्लांट जो भी है वो फेक है।